गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए एमकॉम फर्स्ट ईयर का स्टैटिक्स आज हम आपको पढ़ाएंगे। एमकॉम फर्स्ट ईयर का स्टैटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक्स, और जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको श्रेणियाँ पढ़ा रहे थे, सीरीज। तो हमने सीरीज आपको पढ़ा दी थी, उसमें से अपनी पहली सीरीज है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को क्या बोलते हैं हम, इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में जो हमारा आज एक पॉइंट है वो है समांतर माध्य, जिसको हम बोलते हैं मीन, उसको एक्स बार से हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि समांतर माध्य होता क्या है। देखिए जब दो या दो से जितने भी अधिक आंकड़े होते हैं उनको कुल आंकड़ों को जोड़कर कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा समांतर माध्य होता है। समांतर सामान्य भाषा में इसे औसत माध्य भी बोला जाता है। क्या होता है, जितने भी हमारे आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को हम जोड़ लेते हैं और जितनी कुल संख्या, जितनी संख्याओं में वो दिए होते हैं कुल संख्या से उन्हें भाग दे देते हैं, और भाग देने पर जो भी हमारा भागफल प्राप्त होता है वो हमारा औसत माध्य कहलाता है। औसत माध्य को हम औसत में निकालते हैं, जैसे औसत आय, औसत व्यय, औसत वर्षा, औसत आमदनी, इस तरीके से हम उसको निकाल लेते हैं। अब इसके मेथड कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब होता है प्रत्यक्ष विधि, और शॉर्टकट मेथड होता है कि लघु विधि। इन दोनों मेथड के फॉर्मूला जो होते हैं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये होता है हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से करें चाहे हम शॉर्टकट मेथड से करें, जो हमारा आंसर है वो कैसा आएगा, सेम आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस मेथड से करना है। सबसे पहले देखो x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, x बार बराबर क्या होता है टोटल आइटम्स, और n बराबर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अब दूसरा है हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स क्या होता है टोटल आइटम, डी एक्स क्या होता है डिवीजन, एक्स माइनस ए, उसके बाद ए क्या होता है असोमेट मीन मतलब कल्पित माध्य, तो फिर एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। देखो अब हम आप एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कुल आय 2, 3, 5, 10, 15, 20, 23, 27, ये हमारा एग्जाम्पल दिया है। ये चाहे हम शॉर्टकट मेथड से कर लें और चाहे हम डायरेक्ट मेथड से कर लें, जो हमारा आंसर है वो कैसा आएगा, सेम आया। आएंगे दोनों मेथड से अपन करते हैं। सबसे पहले करेंगे अपन डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड से जब हमने किया तो इसमें केवल हमें आई दी हुई है, मतलब हमें एक्स दिया हुआ है, तो हम एक्स लिख लेंगे और दिए कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो सीरी नंबर लिख लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद हमने एक्स लिख लिया जो हमें दिया हुआ है 2, 3, 5, 10, 15, 20, 23, 27। अब क्या हो गया, हमारा जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो इसमें केवल सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स और एन मांग रहा है, बाकी कुछ नहीं मांग रहा है। तो एक्स क्या, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, तो कितने हैं हमारे 8, एन हो गया हमारा 8, और एक्स हमारा जो हमने टोटल किया तो हुआ हमारा 105। इसके बाद फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो एक्स बार बराबर 105 का भाग सीधा हमने 8 में दे दिया, तो हमारा आंसर निकला 13.125। ये हमारा डायरेक्ट मेथड से आंसर निकल आया। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, और शॉर्टकट मेथड से भी हमारा यही आंसर आएगा। शॉर्टकट मेथड से जब हम ये सवाल करेंगे तो हमारा जो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, तो इसमें क्या मांग रहा है dx, हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखिए हमें x दिया हुआ है, अब हमें dx निकालना है, तो dx बनाने निकालने के लिए इन x की जो संख्या होती है उसमें से किसी एक संख्या को हम a मान लेते हैं, क्योंकि इसमें a प्लस मांग रहा है, तो a मान लेते हैं, चाहे हम 2 को मान लें, 3 को मान लें, 5 को मान लें, किसी भी संख्या को मान सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी बीच वाली संख्या को मानते हैं तो हमारा सवाल जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ 15 को क्या माना है, a माना है। अब dx कैसे निकालेंगे, x माइनस a, तो हम इन 15 में से सारी संख्याओं में से 15 को माइनस कर देंगे, 2 में से 15 गए 13 बचा माइनस का, 3 में से 15 गए माइनस का 12 बचा, 5 में से 15 गए माइनस का 10 बचा, 10 में से 15 गए माइनस के
15 बचे, 15 में से 15 गया कुछ नहीं बचा, 20 में से 15 गया प्लस के 5 बचे, 23 में से 15 गया प्लस का 8 बचा, 27 में से 15 गया प्लस का 12 बचा। अब हम प्लस के अलग जोड़ लेंगे या माइनस के अलग जोड़ लेंगे, या माइनस के जोड़े हमने, ये 13, 12 और 10 कितना हो गया हमारा 40। उसके बाद जो हमने प्लस की संख्याएं जोड़ी वो हो गई हमारी 25। तो हमने 40 में से 25 माइनस कर दिए, तो हमारे माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा, तो माइनस के हमारे 15 बचे हैं। अब ए हमारा कितना निकला जो हमने माना है 15, उसके बाद एन हमारा कितना है 8 जो ये है, डीएक्स हमारा कितना निकला माइनस के 15। इसके बाद अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है हमारा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डीएक्स अपॉन एन। तो एक्स बार बराबर 15 क्या है हमारा ए प्लस, ए हमने कितना माना था 15, तो 15 हमने प्लस कर लिया, उसके बाद हमारा डीएक्स कितना निकला माइनस का 15, तो माइनस का 15 अपॉन 8 कर दिया, जो हमारा नंबर ऑफ आइटम है वो है 8। तो उसके बाद हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 1.875 आ गया। अब जे कितने क्रिया का आया माइनस का। इसके बाद एक्स बार बराबर 15 प्लस माइनस 1.8, अब प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो एक्स बार बराबर जब 15 में से हम 1.875 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्स बार बराबर 13.125। ये हमारा शॉर्टकट मेथड से आंसर निकल आया। देखो चाहे हमने डायरेक्ट मेथड से किया या शॉर्टकट मेथड से, हमारा जो आंसर है वो सेम आया। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे।